ओके नाउ अब हम जो है कौन सा पेज कर रहे हैं, पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 पे हमारा टॉपिक है काउंट नाउंस। काउंट नाउंस कौन से होते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, ठीक है। और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में हो सकते हैं। सिंगुलर नाउन जो होते हैं नेम्स वन थिंग, यानी सिंगुलर नाउन जो है वो एक चीज़ का नाम होता है, ठीक है। और प्लूरल नाउन्स जो हैं वो मोर देन वन थिंग होते हैं, यानी एक से ज़्यादा चीज़ों पर मुश्तमिल जो होते हैं उन्हें प्लूरल कहते हैं। प्लूरल नाउन बनाने के लिए एस और ई एस का जो है एडिशन होता है, जैसे वन बाइक है, जब ये टू बाइक्स हो जाएंगी यानी प्लूरल बनेगा तो एस लग जाएगा, तो टू बाइक्स हो गई। वन डिश यानी सिंगुलर है, टू डिशेज़ हो जाएंगी तो ई एस लग जाएगा, और जो है इस तरह से डिशेज़ हो जाएंगी। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर वन हमें दिया हुआ है कि ऐड अ प्लूरल एंडिंग टू द नाउन्स, यानी आपको प्लूरल एंडिंग्स बनानी है, इनको प्लूरल फॉर्म में कर देना है। किस तरह से, द विनर्स रिसीव गोल्ड मेडल, ठीक है। तो आप ये सिंगुलर है विनर, तो एस लग जाएगा तो विनर्स हो गया, मेडल मेडल्स हो गया, यानी विनर्स जो हैं वो रिसीव करेंगे गोल्ड मेडल्स, ठीक है। ईमो एंड ऑस्ट्रिचेस आर बर्ड्स, ईमो जो है वो बर्ड है, एस लगा दिया तो ईमोज हो गया, ऑस्ट्रिचेस ई एस लगा दिया तो ऑस्ट्रिचेस हो गया, एंड में सी एच होगा सिंगुलर के तो ई एस लग जाएगा तो ऑस्ट्रिचेस बन गया। एंड आर बर्ड्स, बर्ड्स में एस लग गया, ठीक है। दैट कैन नॉट फ्लाई, और ये दोनों जो है वो उड़ नहीं सकती। वी सॉ मैक पाई, मैक पाई में एस लग गया तो मैक पाइज इन द ब्रांच, ब्रांच है सी एच एंड में है तो ई एस लग गया, ब्रांचेस हो गया। ऑफ द ट्रीज, ट्रीज में एस लग गया तो ट्रीज हो गया, ठीक है। यानी ट्रीज की ब्रांचेस में जो है हमने मैक पाइज को देखा। आई लाइक एप्पल, एप्पल में एस लग गया एप्पल्स, ग्रेप्स में एस लग गया ग्रेप्स, एंड पियर्स में एस लग गया पियर्स, बट नॉट बनानास, इसमें भी एस लग गया बनानास। द डांसर्स यानी एस लग गया डांसर्स, वो पिंक ड्रेसेस, ठीक है, डबल एस है तो ई एस लग जाएगा, पिंक ड्रेसेस एंड पिंक पिंक रिबन्स, एस लग गया रिबन्स इन देयर हेयर, ठीक है। डांसर्स ने जो है वो पिंक ड्रेसेस पहने हुए थे और पिंक रिबन्स जो हैं उनके बालों में लगे हुए थे। क्वेश्चन नंबर हमारा अब है क्वेश्चन नंबर टू, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड इन ब्रैकेट। हमें प्लूरल फॉर्म्स बनानी है, जो ब्रैकेट में हमें जो है दिए हुए हैं वर्ड्स उनकी प्लूरल फॉर्म्स लिखनी है। सेवरल मैन आर फिशिंग ऑफ द जेटी, ठीक है। तो मैन एम ई एन, मैन सिंगुलर है तो इसका प्लूरल हो जाएगा एम ई एन मैन, ठीक है। अ फार्मर फाउंड माउस इन हिज बार्न, ठीक है। माउस जो है वो सिंगुलर है, माउस का प्लूरल एम आई सी ई माइस, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा क्या है कि वॉश योर फूड एंड पुट योर स्लीपर्स, पुट ऑन योर स्लीपर्स, तो फूड जो है वो सिंगुलर है, इसका प्लूरल आ गया एफ डबल ई टी फीट। द चाइल्ड आर गोइंग टू द म्यूज़ियम बाय बस, चाइल्ड एक बच्चा, ठीक है। तो इसका चिल्ड्रन, चिल्ड्रन जो है बहुत सारे बच्चे। क्लीन योर टूथ बिफोर बेड, टूथ जो है वो सिंगुलर है, इसका प्लूरल आ गया टीथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे है क्वेश्चन नंबर थ्री, राइट दीज नाउन्स इन प्लूरल फॉर्म, ठीक है। और जो है थिंक अबाउट द स्पेलिंग रूल्स। अब आपको जो है इनके प्लूरल्स बनाने हैं, बंच का बंचेस ई एस लग गया, नाइफ का एफ जो है वो हट गया, उसकी जगह वी लग के ई एस, के एन आई वी ई एस नाइव्स, ग्लास का ग्लासेस, गूस का गीज, बुश बुशेस, सिटी सिटीज, वाई हट जाएगा आई ई एस लग जाएगा, सेक्स सेक्स, माउस माइस, डोंकी डोंकीज, सर्कस सर्कसेस, वुमेन का ए एन है यहाँ सिंगुलर, ई एन हो जाएगा तो वुमेन, टर्टल टर्टल्स, लीफ एफ हट के वी ई एस लीव्स, पीच पीचेस ई एस लग गया, काफ एफ हट के वी ई एस, लेकिन जहाँ भी एफ हैं वो हट के वी ई एस लग रहे हैं, ठीक है। जेब्रा जेब्रास, ठीक है। इस तरह से ये हमारा पेज नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। आप लोगों को एज इट इज़ इसमें से देख देख के बिल्कुल प्रॉपर स्पेलिंग्स के साथ लिखने हैं, ठीक है, इसी के ऊपर, सही है, ठीक है, क्लियर।